हाय गाइस, सर्दियों में वज़न बढ़ना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है हम सबके लिए। मौसम ठंडा होता है, बॉडी को लगता है एनर्जी चाहिए और हम ज़्यादा खाने लगते हैं। बॉडी उतनी एनर्जी यूज़ नहीं कर पाती और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ की ठंड कुछ ऐसी ही है। ये दुनिया के कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है और यहाँ टेम्परेचर -30 तक चला जाता है। ठंड में ना हम ज़्यादा पानी पीते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं होती इसलिए हम कार्ब्स और मीठा खाते हैं खुश रहने के लिए। ठंड में कपड़े भी काफ़ी पहने होते हैं जिससे वेट गेन दिखता नहीं है, और इसलिए हम भी अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है। इसे रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट पर रहना, जिससे ठंड में बॉडी भी ठीक रहे और एक्स्ट्रा वज़न भी कम होता रहे। इसलिए आज के वीडियो में मैं विंटर डाइट शेयर कर रही हूँ, जिससे आप 10 किलो तक कम कर पाएंगे। दिन की शुरुआत करें वेट लॉस ड्रिंक से। इसे खाली पेट पीना है। काफ़ी आसान है बनाने में लेकिन असरदार बहुत है। 2 हरी इलायची लें और उन्हें कूट लें। इनके बदले आप आधा टीस्पून इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप में इलायची के दाने और छिलके शिफ्ट करें। फिर कप को गुनगुने पानी से भर दें, लिड से ढक दें और रात भर ऐसे ही रहने दें। अब अगली सुबह इस पानी को पिएं और साथ ही इलायची के दाने और उसका छिलका भी खा लें। काफ़ी सिंपल है ये ड्रिंक लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी रिफ्रेशिंग है और ये काम ज़बरदस्त करता है। इस ड्रिंक से बॉडी की ब्लोटिंग कम होगी और डाइजेशन ठीक रहेगा। इलायची में मेलाटोनिन है जिससे एक्स्ट्रा चर्बी जलती है। ये शरीर के एक्स्ट्रा पानी को कम करेगी, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर ये पेट की चर्बी भी कम करेगी। इसको पीने से काफ़ी फ़ायदा होगा और आप वापस अपने शेप में आने लगेंगे। ये ड्रिंक सबके लिए सेफ़ है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। मॉर्निंग ड्रिंक को पीने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 1 से 2 घंटों के बाद नाश्ते का वक्त है, और नाश्ते में एक नई रेसिपी है ओट्स की। इस रेसिपी के लिए मैं रोल्ड ओट्स यूज़ कर रही हूँ। ये न्यूट्रिविश ब्रांड के हैं। आप सोच रहे होंगे कि रोल्ड ओट्स क्यों यूज़ कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ठंड में वज़न कम करना मुश्किल होता है और रोल्ड ओट्स का GI इंस्टेंट ओट्स से कम होता है। कम GI से आपका ब्लड शुगर ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है, हार्ट डिजीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है और वज़न ज़्यादा कम होता है। रोल्ड ओट्स को ओल्ड फैशन या होल ओट्स भी कहते हैं। ये फ्लैट होते हैं और ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं बनाने के समय। क्या आप जानते हैं कि इनमें एवेनेंथ्रामाइड्स नाम के पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो किसी और खाने में नहीं मिलते। इस एंटीऑक्सीडेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी प्रोलीफरेटिव और एंटी इचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका मतलब आपकी बॉडी ज़्यादा सेफ रहती है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कोलन कैंसर और स्किन इरिटेशन से, अगर आपके डाइट में ओट्स हो तो। इंस्टेंट ओट्स काफ़ी प्रोसेस्ड भी होते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स अपने डाइट में लाने का। नाश्ता बनाने के लिए एक पैन लें और गैस ऑन करें। फिर 1.5 कप पानी डालें। अब 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डाल दें। दालचीनी से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब पैन में लिड लगा लें और उबाल आने दें। फिर 1/2 कप रोल्ड ओट्स डाल दें और लिड लगा लें। 4 से 5 मिनट उबलने दें। आप देखेंगे रोल्ड ओट्स अब नरम हो गए हैं। अब 1 एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े डालें। एप्पल किसी भी वैरायटी का चलेगा। अब 1/2 टीस्पून अदरक डालें। अदरक फ्लैट बेली फूड है, यह आपका डाइजेशन ठीक रख वज़न कम कराता है। सर्दियों में गर्माहट भी मिलती है। लिड वापस लगाकर 4 से 5 मिनट और कुक करें। टेस्ट और वेट लॉस के लिए एप्पल, जिंजर और दालचीनी का अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5 मिनट बाद लिड हटाएं, स्टर करें और गैस बंद कर दें। थोड़े से सीड्स डाल सकते हैं न्यूट्रिशन और फाइबर बढ़ाने के लिए। मैं पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ ताकि क्रंच मिले और प्रोटीन बढ़े। एंड में थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का शहद या मेपल सिरप डालें मिठास के लिए। ओटमील को एक बोल में शिफ्ट करें, चाहे तो थोड़े से और सीड्स डाल दें और आपका नाश्ता तैयार है। ये टेस्ट में अच्छा है ही और काफ़ी फिलिंग भी है। ठंड में भूख और मीठे खाने की क्रेविंग भी कुछ घंटों के लिए नहीं होगी। अब दोपहर के खाने में 1 से 2 वेट लॉस रोटी है, एक बोल दही के साथ। अब जो लोग दही खाने से परहेज़ करते हैं सर्दियों में, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप घर की बनी दही खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रोटी आप मेथी या शक्करकंदी की ले सकते हैं या फिर आप चिया रोटी ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने मेथी की रोटी दिखाई थी,
वही प्रोसेस से आप पालक की रोटी भी बना सकते हैं। इन रोटियों से आपकी बॉडी को काफ़ी न्यूट्रिशन और फाइबर मिलेगा। आप चाहें तो शक्करकंदी की रोटी या कोई और वेट लॉस रोटी भी ले सकते हैं। वेट लॉस रोटी का प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेथी या पालक के पत्तों की प्योरी बना लें, फिर गेहूं के आटे में ये प्योरी, नमक और जीरा डालें। नमक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। फिर इसे गूंद कर डो बना लें दूध या पानी के साथ। फिर मीडियम साइज़ के गोले बनाएं और बेलन से बेल लें। गर्म तवे में रोटियां बना लें। जब रोटी फूलने लगे तो घी लगा लें या प्लेन खाएं एक कटोरी दही के साथ। इस रोटी में काफ़ी फाइबर है जिससे वज़न कम होने में मदद होगी। इस रोटी की कंप्लीट रेसिपी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब शाम के स्नैक्स में एक हेल्दी बोल मसाले वाले सफ़ेद चने हैं। इस स्नैक में काफ़ी प्रोटीन और फाइबर है जिससे पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहेगा और वज़न भी कम होगा। आप और आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगा ये सुपर इजी और हेल्दी स्नैक। एक पैन लें और गैस ऑन करें, फिर एक टेबलस्पून घी डालें। सर्दियों में घी बॉडी को गर्माहट देती है। इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिससे फैट सेल का साइज़ कम होता है और इससे वज़न कम होता है। अब गैस मीडियम में करें और एक टीस्पून ज़ीरा डालें। जब वो फूटने लगे तो एक चौथाई टीस्पून हींग, दो टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और दो टीस्पून आमचूर डालें। गैस मीडियम से स्लो फ्लेम पे रखें और स्पैटुला से चलाते रहें ताकि मसाले जले नहीं। फिर दो कप उबले हुए सफ़ेद चने डाल दें, अच्छे से मिलाएं और 2 से 3 मिनट कुक करें। 2 से 3 मिनट में ही आपको सारे मसालों की खुशबू आने लगेगी, तब समझ जाइए कि ये बन गया है। अब फ्रेश धनिया के पत्ते और स्वाद अनुसार नमक डालें। मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। जब चने में मसाले अच्छे से कोट हो जाएं, तो गैस बंद कर लें। एक बोल में शिफ्ट करें और इवनिंग स्नैक तैयार है। इसे 1 कप ग्रीन टी के साथ लें। ग्रीन टी ठंड में फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे कफ जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और फीवर और कोल्ड का रिस्क कम होता है। अगर चनों का पोर्शन साइज़ ज़्यादा लगे तो फ्रिज में स्टोर कर लें या मेजरमेंट्स कम कर लें। और अब दिन के आखिरी मील पे आते हैं और वो है डिनर। ये सबसे आसान है। डिनर में लेना है 1 प्लेट सैलेड। सैलेड से वज़न काफ़ी जल्दी कम होता है क्योंकि इससे आपको फाइबर, विटामिंस और बाकी के न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते हैं। इस सैलेड में मैंने बंद गोभी, गाजर, टमाटर और हरे सैलेड के पत्ते यूज़ किए हैं। आप ब्लांच्ड स्प्राउट्स, खीरा, स्टीम्ड ब्रोकली, स्टीम्ड फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, मूली वगैरह यूज़ कर सकते हैं सैलेड के लिए। मैंने कोई ड्रेसिंग नहीं डाली है क्योंकि इसे ऐसे ही रहना है अगर वज़न कम करना है तो। नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, नींबू का जूस वगैरह ज़रूर डाल सकते हैं, पर कोई ऑयल बेस्ड ड्रेसिंग ना डालें। 1 से 2 घंटों के बाद सोने से पहले गोल्डन मिल्क पिएं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है। इस दूध से आपकी बॉडी नरिश रहेगी, गर्माहट मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, लिवर डिटॉक्स होगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। आपको पूरे दिन में अगर कभी भी भूख लगे तो आप संतरा, पपीता, गाजर या खीरा ले लें। केले नहीं खाने हैं, तो इस तरह का विंटर डाइट प्लान होना है। ये सबके लिए सेफ है, इंक्लूडिंग PCOS, PCOD, थायराइड और डायबिटीज़ पेशेंट्स। बस थायराइड वाले ग्लूटेन फ्री रोल्ड ओट्स लें सादे ओट्स की जगह, और PCOS वाले बादाम का दूध लें सादे दूध की जगह। बादाम दूध बनाने की रेसिपी मेरे चैनल में है, ये बहुत ही आसान है। इस डाइट में अच्छा कॉम्बिनेशन है हेल्दी फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स और फाइबर का, और सबसे ज़रूरी, ये सब पेट भरा रखेंगे पूरे दिन। 15 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी हर दिन करें ताकि बॉडी की एनर्जी लेवल्स बढ़े रहें और आपकी बॉडी टोन हो। चैनल में वीडियो है 5 आसान एक्सरसाइजेस जिनसे पेट कम होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस प्लान से आप 10 से 15 किलो 10 से 30 दिनों में कम कर पाएंगे आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। और हाँ, अगर कुछ और खाने के ऑप्शंस चाहिए हो तो मेरे पहले वाले विंटर डाइट प्लान्स देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आशा है ये नया विंटर वेट लॉस डाइट प्लान 2019 आपको पसंद आया हो। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। और जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक ठंड में सोते ना रह जाएं। इस विंटर डाइट प्लान को यूज़ करें ताकि गर्मियों में हॉट दिखें। बाय बाय।